कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन में मनोज गवांडे और शेख अब्दुल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, बुरहानपुर अध्यक्ष अजय रघुवंशी, युवा नेता इंद्रेशन देशमुख, युवा नेत्री जसलीन कीर और राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत प्रभु मौर्य, मध्य प्रदेश प्रभारी सुरेश धाकड़ की अनुशंसा पर व प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत द्वारा बुरहानपुर जिले के मनोज गवांडे को प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं संगठन के जिला अध्यक्ष पद पर पुनः शेख अब्दुल को नियुक्त किया गया है। मनोज गवांडे और शेख अब्दुल को बुरहानपुर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी द्वारा नियुक्ति पत्र देकर बधाई दी गई। अजय रघुवंशी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि युवा साथी शेख अब्दुल को राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन का बुरहानपुर जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मनोज गवांडे को प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया है। रघुवंशी ने कहा, जो संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया है, भारत जोड़ो और नफरत हटाओ, सबको जोड़कर पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में मीडिया के माध्यम से नव नियुक्त मीडिया प्रभारी मनोज गवांडे मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज किस किस की गई? राहुल गांधी युवा संगठन में हमारे युवा भाई अब्दुल को जो जिलाध्यक्ष की जवाबदारी दी है और मीडिया प्रभारी की मनोज गवांडे जी को, मैं दोनों को बहुत ही बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और जो संकल्प राहुल जी ने लिया है कि भारत जोड़ो और नफरत मिटाओ, तो सबको जोड़कर पूरे जिले में और पूरे मीडिया के माध्यम से हमारे भाई मनोज गवांडे पूरे मध्य प्रदेश में इस बात को फैलाएंगे कि उनके संकल्प को हम आगे बढ़ाएं और हमारे देश को जोड़कर देश को शांति का डाक बनाएं। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।